गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी। रविकिशन को पहचानते हैं ना? कितने लोग पहचानते हैं? कितने लोगों ने फिल्म देखी उनके? पैसा लेके या फ्री में? ठीक है ठीक है। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, सहजनवा से माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे नगर निगम के पार्षदगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है कि मोहरेपुर संजाही जंगल बहादुर अली और आसपास के क्षेत्र में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ ही यहां की 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबको मैं इन सभी योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। आगामी खिचड़ी मकर संक्रांति मेला और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार नहीं थी, तब एक गरीब को आवास के लिए, शौचालय के लिए, राशन कार्ड के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी कार्यों के लिए भटकना पड़ता था। 2014 में मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ करके उनके विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया, उसी का परिणाम था कि देश की जनता जनार्दन बार बार उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मोदी जी ने देश के तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है, भारत के अंदर भी आज वैश्विक स्तर की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर जैसे कारखानों का निर्माण हो रहा है। जनता की सुविधा के लिए गांव गांव को सड़क से, हर घर नल की योजना से, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो इसके साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव के गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पहले गरीबों के राशन पर डकैती पड़ जाती थी, गरीब को मिलता ही नहीं था। आज हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के भाव में दम तोड़ देता था, आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को
₹5 लाख की हर साल स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। पहले गरीब के पास आवास नहीं होता था, वो झोपड़ी के नीचे जैसे तैसे गुजर बसर करता था। आज देश के अंदर 4 करोड़ और प्रदेश में 55 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गया है। पहले गरीब के घर में शौचालय नहीं हुआ करता था, उसको जहां तहां जाना पड़ता था, नारी गरिमा के सामने प्रश्न खड़ा होता था। आज देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के और प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों की फ्री में शौचालय बनाने के काम हुए। पहले गरीब के घर में भोजन बनाने के लिए ईंधन नहीं हुआ करता था, न रसोई गैस के सिलेंडर मिलते थे, न उसको केरोसिन मिल पाता था, न उसको कोयला मिल पाता था, न लकड़ी मिल पाती थी, बरसात में और भी खराब स्थिति होती थी। आज देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को और उत्तर प्रदेश में 1.75 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर के कनेक्शन उपलब्ध हो गए और प्रदेश सरकार ने दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर देने का भी संकल्प लिया है, जो हमने प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, ये सब काम इसलिए जैसे गरीब के चेहरे पर खुशहाली आए, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन हो सके, स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, गांव में जहां गरीब निवास कर रहा है वहीं पर उसको मकान का मालिकाना अधिकार देंगे पीएम स्वामित्व योजना में, किसान के लिए पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ऐसी अनेक योजनाएं चल रही हैं जो आज हर गरीब के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही है और इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन का परिणाम हम सब एक संकल्प के साथ आगे बढ़ सकेंगे कि 2047 में जब हमारा देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तो शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम एक विकसित भारत देख पाएंगे, एक ऐसा भारत देख पाएंगे जिस भारत में गरीबी नहीं, अभाव नहीं, अशिक्षा नहीं, अव्यवस्था नहीं, असुरक्षा नहीं, बल्कि जिस विकसित भारत में दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य होगी, जिस भारत में हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली होगी, विकास की प्रक्रिया से पूरी तरह संतृप्त एक ऐसा भारत जिस भारत पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करेगा और दुनिया उसका मार्ग दुनिया उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण करेगा। इन्हीं संकल्पों को ध्यान में रखकर के मोदी जी ने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर से प्रारंभ किया। जिन्हें योजना का नाम मिला वे मंच पर आकर के बोले, जिन्हें नहीं मिला उनके लिए हम रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई प्रारंभ करें और मैं प्रशासन से कहूंगा कि गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है या जहां जानी है वहां पे भी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए कि कोई जरूरतमंद है कंबल नहीं तो कंबल दीजिए, हमने सरकार से पैसा उपलब्ध करवाया है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको वहीं पे राशन कार्ड उपलब्ध करवा दीजिए, जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं उनको आयुष्मान भारत का जरूरतमंद को उपलब्ध करवाइए, किसी गरीब के पास आवास नहीं है उसको आवास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, पीएम आवास योजना में मिलता है ठीक, नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री आवास योजना में उसको आवास आवंटित कर दीजिए, जिसके पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं है उसको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन उपलब्ध करवाइए। अगर हम 100% सिचुएशन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे कोई कारण नहीं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मिलेगा और जनता जनार्दन विकास की गति में तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, ये संकल्प यात्रा इसी उद्देश्य को लेकर के आपके बीच में आई है। मोदी जी की गारंटी की वैन आपके पास आकर के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है
कि यहां पर आकर के जिन लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला वे खुश थे, उन्होंने अपनी बात कही। जिन्हें मिलने के बाद कुछ और अपेक्षा थी वह भी उन्होंने यहां पर बताया है, जिसका भी समाधान का रास्ता निकलेगा। ये प्रदर्शनी इसी उद्देश्य से यहां पर लगाई गई है, आप सब इसका लाभ ले सकेंगे, विकास की योजना के साथ जुड़ सकेंगे। संझाई में मैं भी आ रहा था, सीसी मार्ग बन चुका है, जल निकासी की व्यवस्था हो चुकी है, नहीं तो हम आते थे कच्चे मार्ग से आना पड़ता था। यह है विकास की योजना का लाभ, और हर गरीब को हमने इसीलिए नगर निगम के अंदर भी इसको जोड़ा है, जिससे यहां गरीब के मकान बन सके, कनेक्टिविटी ठीक हो सके, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो सके, खेतों में जाने की व्यवस्था भी ठीक हो सके, पुल बन सके, बाढ़ से बचाव की व्यवस्था हो सके, और पर्यटन की सुविधाओं का विकास होने के साथ साथ रोजगार का सृजन भी हो सके। नहीं तो कोई कल्पना करता था फर्टिलाइजर चलेगा? कोई कल्पना करता था गोरखपुर शहर तक पहुंचने के लिए 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी? कोई कल्पना करता था एम्स गोरखपुर में बनेगा? कोई कल्पना करता था? ये डबल इंजन की सरकार सपने को साकार कर रही है, और उसी सपने को साकार होने के साथ साथ आने वाले संकल्पों को भी हम मूर्त रूप में साकार होते हुए देख सकेंगे। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ आपके बीच आई है, आप सब इसका लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं एक बार फिर से खिचड़ी मेला और आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए फिर वैसे बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।